हाय एवरीवन, आज ये ट्रैफिक लाइट के बारे में छोटी सी टिप दे देता हूँ। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी लोगों को पता है। ट्रैफिक लाइट यानी कि रेड ग्रीन येलो तीन कलर होते हैं, और रेड है मतलब ऑब्वियसली आप रुकोगे, खतरे की निशानी, तो इसलिए रेड का यूज़ किया जाता है। अब खासकर आपको उसी साइड में, खासकर क्या, हमेशा उसी लेन में रोकना है जहाँ जिस साइड आपको मुड़ना है। राइट जाना है तो राइट लेन में, लेफ्ट जाना है तो काफ़ी बार मैं कहूँगा कि 99% जो लेफ्ट लेन है वो खुली होती हैं, या फिर उनसे पहले ही एक जैसे ऐसे है तो एक कट ऐसे दे दिया जाता है। बंद कर यार। तो लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट के लिए अलग से कई बार लेन होती है, अदरवाइज आप लेफ्ट में जा सकते हो, रेड लाइट होती है तो भी। अब जिनको जाना है सीधे, वो खड़े होते हैं बीच में, जैसे वो सिलेरियो खड़ी है, मेरे हिसाब से उसे सीधा जाना होगा तो वो बीच में खड़ा है। अब रेड लाइट और ज़ेब्रा वो लाइन दिख रही होगी, उससे पीछे ही आपकी गाड़ी के जो अगले व्हील हैं, आगे वाले जो आपके फ्रंट व्हील हैं, वो इधर ही होने चाहिए, उसे क्रॉस मत करना। वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, पैदल जाने वालों के लिए, तो उसका चलान है, उसके ऊपर मत जाना। हो गया। ऑरेंज लाइट अगर मुझे दिखी तो बताऊंगा, वैसे मैं बता देता हूँ। ऑरेंज लाइट अगर दिख जाती है तो अपनी गाड़ी रोक लेना, उसका मतलब है आप, अगर रेड होने वाली है, आपको 5 या 3 सेकंड मिलते हैं, अपनी गाड़ी स्लो डाउन कर लो। ये होता है ऑरेंज लाइट का मीनिंग। ऑरेंज आती है, फिर रेड आती है, फिर ग्रीन आती है, ये पैटर्न होता है। ऑरेंज मतलब आपको ये एक इंडिकेशन है कि अब रेड होने वाली है, तो आप अपनी गाड़ियाँ स्लो डाउन कर लो दूर से ही, और ज़ेब्रा लाइन से पीछे रोक लेना। रेड हो गई। अब काफ़ी बार यहाँ पे होता है टाइमर की, देखो अभी हो गया, अब आगे वाला एरो भी ग्रीन है, हमेशा एरो को देखना है, ठीक है। रेड वाला ग्रीन, वो जो ग्रीन है आगे फ्रंट वाला वो भी, और राइट वाला भी, तो मैं राइट जा सकता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लेना है यू टर्न, तो वो मैंने बता दिया। राइट जाना है तो राइट लेन में रखना, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लेन में रखना, अगर खुला है तो चले जाना। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लेफ्ट आपको अलाउड नहीं होता है टर्न लेना, ठीक है, तो वो केस भी है यहाँ पे। अब देखो काफ़ी बार क्या, मैंने बताया कि सीधे जाना है तो बीच में, मानो ये सीधे वाला है, राइट वाला किसी को राइट टर्न लेना हो, लेफ्ट किसी को लेफ्ट जाना हो। अब ये तो हो गया, मल्टीपल लेन है आपके सामने, काफ़ी बार सिर्फ दो ही होंगी। रुक ले यार, वो ऐसे म्यूट कर ले, काफ़ी यही वाला है ना, हाँ, काफ़ी बार होगा कि सिर्फ दो ही लेना है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ज़रूरी नहीं रेड लाइट हमेशा चार रास्ते जहाँ से निकल जाए चौराहा वहीं पे हो, कई बार टी पॉइंट पे भी रेड लाइट देखी जाती है, वो भी एक्सेप्शन केस होता है। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ टी पॉइंट है तो आप लेफ्ट लेन में रखोगे, अगर आपको सीधे जाना है। राइट जाना है तो ऑब्वियसली राइट, देखो राइट का फॉर श्योर एक ही रूल है, अगर राइट जाना है तो राइट लेन, अदरवाइज आप लेफ्ट में रखें, राइट में ना रखें अगर आपको राइट नहीं जाना है तो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। क्योंकि आप राइट में खड़े रहोगे, जाना आपको सीधे है, और फिर पीछे वालों को स्लो डाउन करोगे, आपको सीधे इस लेन में लगा दी, जाना आपको राइट है, फिर राइट घुमाओगे, फिर पीछे वाले व्हीकल स्लो डाउन हो गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मैं बता दूंगा धीरे धीरे, अगर मेरे सामने कोई अभी सीन एनकाउंटर होता है ट्रैफिक लाइट का तो आई विल टेल यू। ट्रैफिक लाइट ख़राब है, वैसे उसे फंक्शनल होना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, खराबी है, टेक्निकल फॉल्ट है। मुझे सीधे जाना है तो मैं सीधे ही रखूँगा, राइट लेन में नहीं जाऊँगा, ये सब मुड़ने वाले हैं राइट। और अब मुझे अगर राइट जाना है तो मैं यहाँ नहीं चलाऊँगा, मैं चलूँगा राइट में, क्योंकि मैं देखो अब वो बीच में था, उस तरफ गया, इन व्हीकल्स को स्लो डाउन उसने कर दिया, और फिर पीछे वालों को भी, तो ऐसे मत करना। राइट जाना है तो राइट में ही रखो, चाहे कितने ट्रैफिक हो। जैसे मैंने बताया, राइट में तभी आना अगर राइट में जाना हो, अदरवाइज आप लेफ्ट में रखें, अगर आपको सीधे जाना है या लेफ्ट जाना है। तीन लेन है तो बीच में रखो, दो लेन है तो लेफ्ट में रखो, दैट्स इट। काफ़ी बार तो लेफ्ट बंद ही होता है, मतलब रास्ता ही नहीं होता, जैसे देखो ये है लेफ्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट है और सीधा है, तो ऐसा भी होता है, तो आपको लेफ्ट रखना है अगर सीधे जाना है। अब वो रेड लाइट है, मुझे सीधे जाना है, आई विल कीप ऑन लेफ्ट। ये होता है देखो, ये कट मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को लेफ्ट जाना होता है तो वो इससे ले सकता है, उसे यहाँ पे फंसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सीधा जाना है तो मैं यहाँ रखूँगा। और कोशिश करो ये रास्ता ब्लॉक ना करो लेफ्ट जाने वालों के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं है रास्ता। अब देखो ग्रीन हो गई तो दो एरो हैं, फ्रंट का राइट का, यानी ये दोनों लेन अभी जा सकती हैं, सीधे वाला भी राइट वाला भी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ सीधे वाले अलाउड हैं ना कि राइट वाले, तो जो ग्रीन एरो होगा जिस भी साइड का, सिर्फ और सिर्फ उसी साइड के जाएंगे, ओनली फ्रंट का है तो ओनली फ्रंट वाले जाएंगे, राइट वाले खड़े रहेंगे वहीं पर।
अपने को दोनों मिले हैं तो हमें तो सीधा जाना है, तो वी कैन गो। और प्रैक्टिकल एक नॉलेज देता हूँ, अगर आप दूर से भगाए हुए आ रहे हो, ग्रीन लाइट है, ऑब्वियसली आप जा सकते हो, लेकिन फिर भी संभल के जाना। लोग ऐसे ही हैं, रोड पे चलते रहते हैं, उनकी रेड लाइट होती है, फिर भी रिक्शा वाले, साइकिल वाले, बाइक गाड़ी वाले सब निकाल ही देते हैं। उनकी गलती है नो डाउट, लेकिन अपनी जान बचानी है ना, तो फिर भी स्लो डाउन करके निकालना है। ऐसा नहीं है ग्रीन है तो सो की सो, ऐसा नहीं, डोंट डू दैट। ऑरेंज लाइट में जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने शुरू में गाड़ी सीखी थी तो अपना तो गांव का एरिया था, रेड लाइट तो होती नहीं थी, तो मुझे नहीं समझ आता था। पहली बार दिल्ली लेके आया तो समझ नहीं आया, ऑरेंज दिखी तो भगा के निकाल दी। काफ़ी बार लोग निकाल भी देते हैं कि रेड हो उससे पहले निकाल लो, लेकिन वो डेंजरस हो सकता है, अपनी गाड़ी रोक लिया करो। अब मुझे राइट है, सीधा है, तो मैं बीच में कोशिश करूँगा। ये लेन वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, दो ही लेन है तो एक लेन यहाँ बननी चाहिए, एक यहाँ, लेकिन बनी हुई है, क्या करूँ। तो अगर 7, 6, 5, 4 लाइट्स ब्लिंक करने लगी, धक्के लग रहे हैं स्विफ्ट के। अब वहाँ पे टाइमर चल पड़ा है, ये देखो बेसिक नॉलेज है एकदम। अब लोग कहेंगे कि ये तो सबको पता, नहीं सबको नहीं पता होता सब चीज़ें, कोई एकदम बेसिक लेवल से उठ के आता है मेरी तरह। तो मुझे रेड लाइट्स का शुरू में ऐसे ये पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, कब मुझे निकालनी है, मैं लेफ्ट में जाऊँ कि ना जाऊँ, तो उनको थोड़ा सीखने दो। और ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करना, अगर मान लो लाइट पे खड़े हो, पीछे वाले हॉर्न मारने लग गए, तो हड़बड़ी में कुछ मत करना, हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है, आराम से चलो। और गाड़ी बंद कर लो अगर 60 सेकंड से ऊपर, अगर का टाइमर दिखा रहा है वो कितना टाइमर लगेगा कि ग्रीन होने में 60 सेकंड है, आपको रुकना पड़ेगा। 60 से ऊपर है तो कर लो बंद, बट गर्मियाँ हैं, ए सी चलती रहती है तो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दो है, जैसे मैंने बताया था ना, काफ़ी बार टी पॉइंट होता है लेफ्ट राइट, यहाँ पे अब सीधा नहीं है, तो यहाँ पे दो राइट कह रहा है। अब ऑरेंज होगी तो मैं रोक लूँगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा, वो देखो ऑरेंज होगी ना, मेरे सामने वाले नहीं रोक दे। अब यहाँ पे है 63 सेकंड्स, राइट में रखना क्योंकि मुझे राइट में जाना है। अभी से इंडिकेटर देने फालतू का कोई मतलब नहीं है, 5-10 सेकंड बचे तो इंडिकेटर दे देना बस अपना, और इंडिकेटर दे के ही गाड़ी का टर्न लेना है। अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट का सो ऑन, राइट साइड इंडिकेटर फॉर द राइट साइड टर्न। बिना इंडिकेटर के टर्न करोगे तो वैसे भी जो है मतलब पीछे वाले व्हीकल को मिसगाइड करोगे, कहाँ मुड़ेगा और चलान होंगे वो अलग। अब दिखा भी लोकेशन, ट्रैफिक ड्राइविंग की वीडियोस बन चुकी हैं, देख लेना काफ़ी हैं। फुट मूवमेंट के साथ शायद आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक दूसरी है, थोड़ा डिफरेंट एंगल में शूट हुई है, वो देख लेना। जो भी है लिंक में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना आपको कौन सी अच्छी लगती है। अरे लाइट नहीं है तो किस चीज़ का जाम है, यूटर्न ले रहा है कोई शायद। अच्छा अच्छा वो खड़ी आ गए, XUV300 उसने जाम कर रखे हैं। और यार एक देख लिया करो, अगर कोई गाड़ी यूटर्न ले रही है, मुड़ रही है, तो उसके अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं है, उसे मुड़ने की जगह तो दो। जितना उसके नज़दीक जाओगे टाइम खुद को ही लगेगा, क्योंकि उसे फिर एक दो बार और घुमानी काटनी पड़ेगी गाड़ी आगे पीछे, उल्टा तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर दिख जाता है कि गाड़ी घूम रही है, घूमने दो उसे आराम से, उसे घूमने की जगह दो, वरना एक कट फिर फालतू लेगा, उसे भी लेट करवाओगे, दिमाग भी खराब करवाओ, क्या फ़ायदा। लेफ्ट है ना, 90 मीटर बाद। हाँ यहाँ लेफ्ट का अलग से साइन है कि लेफ्ट ओपन है तो जा सकते हो, तो वी कैन गो। दादा 2.5 किलोमीटर है रोड पे। ये जोर ड्राइवर कितने अड़ लाग गए, माफिया इलाको संजय दत्त वाला इलाका में इसके भी लग रहा है सेल डेड हो गए भाई रेड लाइट के, देखियो दिख ही नहीं रही रेड है। मैं तो कुदा देता कि ये सोच के कि खराब है और फिर आ जाते हैं। कुदा 5 मिनट बाद ब्रो बटर रेड थी वाइट थी। चल दादा
कि जैसे आप किसी गाड़ियों के पीछे खड़े होते हो ना और जैसे ग्रीन लाइट होते हो तो आप 0.003 सेकंड में हॉर्न दे देते हो कि चलो, ऐसा मत किया करो। ट्रैफिक पे खड़े रहने की किसी को वो नहीं पड़ी है, सबको जल्दी होती है निकलने की। हाँ, कोई एक आध सेकंड लेट हो गया, हैंड ब्रेक लगा रखा है, गियर में डालनी है, आराम से खड़ा था तो वो उसमें लेट हो जाता है, ये अभी बजाना फिर से हॉर्न, तो ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, बाकी आपकी इच्छा है अगर आपको करना हो तो, बाकी नॉट रिक्वायर्ड। और जो ट्रैफिक से निकलने के बाद एकदम खींच के रेस देते हो ना, वो थोड़ा संभाल के दिया करो, होता ना काफी देर रुक के अब पहले गियर में खींचनी है। बाइक में भी काफी करता था, बाइक में भी गाड़ी में भी। पत्तो पड़वा हो गए, मास्क ना ला रखियो, पड़वा लियो को कहीं जगह आओ कोई बढ़िया। याद ही ना था यार मास्क तो। कई कैमरा कुदाया है। अब यहाँ पे अगेन रेड लाइट है तो जेब्रा लाइन से पीछे रोक लो। अगर दो चार लोग आपसे आगे खड़े हैं जेब्रा लाइन से आगे तो उनके पीछे पीछे लेके मत निकल जाना, पीछे खड़े रहो। काफी और तो जेब्रा लाइन होती नहीं है, कानून भी बना रखे हैं लेकिन कैसे करने कहाँ करने वो सभी नहीं है कानून। दुनिया भर के रोड सबसे खराब इनके, चलान के पैसे जाते कहाँ हैं? चलो भाई, चल भाई, कौन सी साइड भाई, दोनों लेफ्ट है। अच्छा भाई, कितनी देर में रेड लाइट होगी वो भी पता होता है, टाइमर चल रहा होता है। कितनी देर में ग्रीन लाइट होगी वो भी लगभग जो है ट्रैफिक लाइट इन पे लिखा हुआ होता है, तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी पहले स्टार्ट कर लिया करो। ये नहीं कि ग्रीन हो गई, दो सेकंड बची हैं, फिर हैंड ब्रेक हटा रहे हो, फिर स्टार्ट कर रहे हो, फिर बेल्ट लगा रहे हो, फिर ये वो नहीं। 400 मीटर बाद राइट। तो इतना ही था रेड लाइट के बारे में, छोटा सा वीडियो था ये।